Hello everyone, in this video we will discuss the very important question of business mathematics June 2019. Let's start. Question number 52. For a group of 8 students, the sum of square of difference in rank for the mathematics and statistics was found to be 50. What is the value of the rank correlation coefficient? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला जो है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1-6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। ये जो है रैंक कोरिलेशन का जो है हमारे सामने फॉर्मूला है और आपको गिवन पैरामीटर है, ठीक है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 50 एंड फॉर एट स्टूडेंट्स, देन एन की वैल्यू आपके सामने है 8, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 50 रख देते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूले में 8 × 8² - 1 सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 50 अपॉन 8 × 64 - 1, देन 1 - 300 अपॉन 8 × 63, बिकॉज 64 8 का स्क्वायर 64 - 1 63 हो जाएगा। सोल्व करते हैं ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 21 और ये 4 × 8 = 25, तो हमारे सामने वैल्यू आती है 1 - 25 / 42, देन 42 एलसीएम आ जाएगा, 42 - 25 तो यह है हमारे पास आता है 17/42। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 17/42 को जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.4047, तो ऑप्शन में इसकी वैल्यू 0.40 गिवन है और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम में इस कंसेप्ट से, रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड सवाल लगभग आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और समझते हैं। व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 10 ईयर ऑफ ए फर्म द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन coefficient was computed as 0.80. What would be the correct value of rank correlation coefficient after rectifying the mistake? ठीक है, देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जो है ये 3 ले लेता है 5 की जगह बाई मिस्टेक, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, सोल्यूशन हम समझते हैं बिल्कुल ईजी मेथड से। देखो रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है आपके सामने क्या है, वो है 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास जो है हम सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमको गिवन है 0.80, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, एन हमारे पास है 10 ईयर्स तो 10 जो है एन की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर है 10। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो ये आ जाएगा 0.80 = या हम इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 10 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 - 1 = 99 और ये हो जाएगा 1 - 0.80, ठीक है, हमने साइड चेंज कर दी, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा और 0.80 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है 6 सम ऑफ डी स्क्वायर 10 × 90 1 - 80/100। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 6 सम ऑफ डी स्क्वायर 10 × 99 100 आ जाएगा एलसीएम, 100 - 80, 6 × सम ऑफ डी स्क्वायर 10 × 99
इक्वल हो जाएगा 20/100। ओके देखो ये 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, तो 6 इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर 2 × 99, देन सम ऑफ डी स्क्वायर इज टू हो जाएगा 2 × 99/6। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 2 × 3 = 6 और 3 × 99 = 33 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 33। और ये जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये गलत वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू है, बिकॉज इसमें जो है हमने 5 की जगह क्या ले ली था, 3 ले लिया था, इसको सही करना जरूरी है। तो नाउ न्यू बिल्कुल करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33 में से, बिकॉज ये डी स्क्वायर है तो हम 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज ये गलती से लिया गया था और इसमें 5 का स्क्वायर, 5 की जगह हमने 3 ले लिया था, तो 3 को माइनस कर देंगे और 5 के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज ये सिग्मा डी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 − 9 + 25। देन हमारे पास राइट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर की आ जाती है, यह आ जाती है 58 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा, तो 49 जो है हमारे पास इसकी राइट वैल्यू आ जाती है। ये बिल्कुल राइट वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो अब हम फाइंड करते हैं रैंक कोरिलेशन, 1 − 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले का अगेन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इजीली मैं इसमें सभी वैल्यू रख देता हूँ तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। तो देखिए आप, ये आ जाएगा हमारे पास 1 − 6 इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर 49 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, देन 1 − 6 इंटू 49 अपॉन 10 इंटू 99। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 × 3 = 6, 2 × 5 = मतलब और 3 तो 1 − 49 / 165। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे सामने एलसीएम आ जाता है 165 − 49, तो यह आ जाएगा 6, 116/165, और इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.70। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, आप ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हो, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन 54। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय द इक्वेशन 2x + 3y = 10 एंड द रेंज ऑफ एक्स इज 15, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = दे रखा आपके 10, रेंज ऑफ वाई फाइंड करना आपको, तो 3y = हो जाएगा माइनस का 2x + 10। वाई सिंगल वाई की वैल्यू हम निकालते हैं, −2/3x + 10/3। ओके आपने सिंगल वाई की, आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ वाई, तो आप केवल सिंगल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो एक्स का कोफिशियंट है उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेते हैं। एक्स का कोफिशियंट की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 2/3। ओके चाहिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, देन रेंज ऑफ वाई क्या होगा, रेंज ऑफ वाई 2/3 टाइम्स रेंज ऑफ एक्स, मतलब एक्स के कोफिशिएंट जो भी आए उसकी पॉजिटिव वैल्यू को रेंज ऑफ एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेंज ऑफ एक्स कितनी है, 15 है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 2 × 5, बिकॉज 3 से जो 15 है 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेंज ऑफ वाई जो हमारे पास आता है वो आता है 10 रुपीज़। ओके ये आपके किस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज, इन सभी में हम क्या करते हैं, हमको यदि वाई की रेंज फाइंड करनी है तो पहले वाई का कोफिशियंट 1 करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे, फिर एक्स का जो भी कोफिशियंट है उसकी पॉजिटिव वैल्यू को रेंज ऑफ एक्स से, या स्टैंडर्ड डेविएशन यदि फाइंड करना है तो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मीन डेविएशन,
क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज सभी इक्वेशन यदि आपको देखें तो एक ही तरह से निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 के क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ए एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इज 10, मतलब ए एम इज 10 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस इज 40, ठीक है ना। तो इफ़ ए एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स आर 10 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेरियंस ऑफ 15 माइनस 2x। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला आपके सामने होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस आपको दे रखा है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता और मीन आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10 इंटू 100, ठीक है ना। ए एम एज ए मीन होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 10 इंटू 100, इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स आ जाएगा। तो ये देखो आप कितना आ जाएगा, तो 40 अपॉन 10 इजिकल टू आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाता है 4, ओके। देन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स इज आपके सामने आ जाता है 4। आपको 15 माइनस 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट 15 माइनस 2x आपके सामने आ जाएगा y, ये एक आपके सामने इक्वेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x जो है आपके सामने आ जाता है 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x है इसके कोफिशिएंट की पॉजिटिव वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1 है, ये ओनली वाई है, इसके साथ कोई भी वैल्यू या कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता तो पहले उसका क्या कर देते, डिवाइड कर देते। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपके सामने हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स 4। देन एस डी ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं वेरियंस ऑफ, सो वेरियंस ऑफ y वो हमेशा होता है जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसका स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो वेरियंस ऑफ y जो है हमारे पास आ जाता है 64। वेरियंस ऑफ y हमारे पास आ जाता है 64 और y की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 15 माइनस 2x है। देन वेरियंस ऑफ इज 64। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ईजिली हम समझ सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपके समझ में आया, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से समझा है और इसके बाद क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखोगे, समझोगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते हैं। थैंक यू।